गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, अगर पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस, आज ना बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ और मेरे लिए भी अच्छी न्यूज़ है, आपके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ क्या है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। गाइस, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो ऐसे टाइम पे था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन। उसके पहले मैं एक और ऐप यूज़ करता था, वीडियो सीडियो बनाता था छोटे छोटे मोटे, लेकिन वो ऐप का नाम नहीं लूँगा मैं। तो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा सौरभ जोशी का व्लॉग्स देखता था और भी जट प्रभजोत के व्लॉग्स देखता था। एक दिन उसने मुझे बोला कि पापा, हम दूसरे वीडियोस तो बनाते ही थे, तो क्यों ना हम डेली व्लॉगिंग चालू करें। उससे क्या होगा, डेली रूटीन जाएगी और लोगों को थोड़ा हम इम्प्रेस भी कर सकेंगे अपने वीडियोस से। तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा, उसका सजेशन अच्छा लगा और मैंने चैनल का नाम सजेस्ट सोचना शुरू किया कि कैसे नाम क्या रखें क्या नहीं रखें। तो 3 दिन तक तो मुझे नाम सोचने में ही लग गया कि क्या नाम सोचें। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम चैनल का नाम रखेंगे फेयर एंड हैंडसम। तो नाम रख लिया, वीडियोस बनाना चालू कर दिए। अब वीडियो कहाँ बना रहे हैं हम, घर में, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा हुआ है। फिर कल मेरी वाइफ का बर्थडे था और कल ही मुझे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम यूट्यूब। नाम रख लिया चैनल का और फिर हम वीडियोस बनाने लगे। वीडियो बनाने लगे तो वीडियो कहाँ बना रहे हैं हम, घर में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर तो वीडियो बना नहीं सकते। तो कई लोगों ने मुझे बोला, यार ये क्या कर रहे हो, आप तो कराटे मास्टर हो, वीडियो अच्छे अच्छे बनाओ, ये सब क्या बना रहे हो, खाना पकाना ये वो। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, फिर मैंने कराटे की वीडियो डालना चालू किया। लेकिन कराटे की वीडियो तो वही देखेंगे जो स्पोर्ट्समैन है, कराटे से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज किया और फिर मैं डेली व्लॉग में सब कुछ डालना चालू किया कि जिस दिन मैं चैम्पियनशिप में जा रहा हूँ उस दिन चैम्पियनशिप का वीडियो डाल रहा हूँ, जिस दिन मैं कहीं एंजॉय करने जा रहा हूँ घूमने के लिए तो घूमने का वीडियो डाल रहा हूँ। तो ऐसे करते करते एक साल हो गया और जर्नी चलती रही। 100 सब्सक्राइबर, 200, 500, ऐसे 1000 हो गए। अब प्रॉब्लम था कि 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना, वो मेरे लिए एक मतलब हिमालय पर्वत पे चढ़ने के बराबर था। तो एक बार तो मेरा मन बहुत ही उदास हो गया, टूट गया मैं कि 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं एक किसी की लाइव में गया, शिवांगी जी की लाइव में, उनका चैनल का नाम है शिवांगी हल्द्वानी व्लॉग्स, तो वो हल्द्वानी से हैं। उनके लाइव में जब मैं गया तो उन्होंने पूछा, भैया आपका WT कितना कंप्लीट हुआ है? तो मैंने बोला कि वो क्या होता है, तो बोले वॉच टाइम। मैंने बोला अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले भैया आप लाइव नहीं लेते हो? तो मैंने बोला लाइव से क्या होता है? तो उन्होंने बोला लाइव से हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होता है, बढ़ता है। फिर मैंने लाइव लेना चालू किया और ऐसा लाइव लेना चालू किया गाइज, मैंने दिन रात मतलब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस चीज़ में। मेरे घर में कई बार उस चीज़ को लेकर झगड़े भी हुए कि पूरा दिन आप मोबाइल में लगे रहते हो, किससे चैटिंग करते हो या क्या करते हो या जो भी है, समथिंग लेडीज लोग का थोड़ा रहता है, तो लड़ाई झगड़े भी हुए।
लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था 4000 घंटे कंप्लीट करना और चैनल को मोनो करना। मैंने चैनल को मोनेटाइज किया, मोनेटाइज हो गया। होने के बाद गाइज आप मानोगे, मुझे फर्स्ट सैलरी मिली, और वो फर्स्ट सैलरी कितनी है, इतनी। कल मेरी वाइफ का बर्थडे था और कल ही मुझे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम यूट्यूब। तो ये कितना हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कितनी रकम है। ये है गाइस 10,000 रुपीज़। तो यूट्यूब ने जो पहली इनकम यानी पहली सैलरी जो मुझे भेजी है वो है 10,000 रुपये। अभी सेकंड आएगी, अब हर महीने आती रहेगी और कितनी आएगी वो पता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट जो सैलरी थी वो 10,000 थी। तो गाइस अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है कि हाँ सच में यूट्यूब पैसा दे रहा है। तो अगर आप न्यू हैं और चैनल आपने ओपन किया है तो हिम्मत मत हारना दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये नहीं कि मुझे सैलरी आई है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत हारने के बाद अपना चैनल बंद कर देते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करूँगा कि यूट्यूब पे आओ, वीडियो बनाओ, मेहनत करो और एक दिन आपको सैलरी जरूर आएगी। जैसे हम एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं और उसको खाद पानी देते हैं, बड़ा होता है तो हम इंतज़ार करते हैं ना कि भाई एक दिन तो फल मिलेगा, तो वो फल मिला। तो गाइस ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये बताना नहीं कि मुझे सैलरी आई है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, एक ना एक दिन आप भी यूट्यूब से सैलरी पा सकेंगे। और यूट्यूब सैलरी दे रहा है, सबको दे रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को दे रहा है, और देखिए अब तो मुझे भी आने लग गया है। तो गाइज वीडियो बनाइए, मेहनत करिए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, पैसा आएगा। यहाँ तक अगर मेरा वीडियो देख लिया है तो लाइक किए बगैर मत जाना, कमेंट करना और ये वीडियो दोस्तों में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़े कि कितना स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बाद कितना मज़ा है। गाइस अभी मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो बाहर जा जा के बनाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि मेरे चैनल का महत्व तो क्या है, मेरे चैनल क्या है, तो लोग खुद ब खुद सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके चैनल पे आएंगे और वीडियो अच्छे लगेंगे तो ज़रूर देखेंगे। देखो एक ही जैसा वीडियो बनाएंगे तो कोई नहीं देखता है, थोड़ा सा चेंज करके बनाना है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि मैं कभी ये वाला वीडियो डालता हूँ, कभी वो वाला, कभी टूर्नामेंट का, कभी के कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो चलते रहते हैं। तो गाइस आप सबको मेरे घर पार्टी में इनविटेशन है, आइए हम लोग पार्टी करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।